एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने आया। आश्रम की शांति में दो दिन बीत जाने के बाद वह बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मैं उनका उत्तर जानने के लिए यहां आया हूं। बुद्ध ने कहा, पूछो, आपका प्रश्न क्या है? उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, कारण आप इतने परेशान और चिंतित हो गए। बुद्ध के प्रश्न पर कुछ देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, यह कैसा प्रश्न है? मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा और आप उत्तर देने के बजाय पूछ रहे हैं। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए। यदि तुम अपने दुख का कारण नहीं जानते हो तो तुम मुझसे यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हारे दुख का कारण जान पाऊंगा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, लेकिन लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप लोगों के मन को पढ़ते हैं, तब आपको मेरे दुख का कारण पता चल जाएगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, तुम ये सोचकर गलती कर रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं से बाहर निकाल देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। केवल तुम ही हो जो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से बचा सकते हो। महसूस करें कि आपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है तो आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं भी आपके जैसा हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि सब कुछ साफ है। जिस दिन आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उसी दिन से आपकी भी समस्या के लिए बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी फूल को ध्यान से देखा है? यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और बोला, बुद्ध, फूल तो एक साधारण सी चीज है, इसे तो सभी ने देखा है। बुद्ध ने कहा, फूल एक कली है, सुबह अंधेरा होता है, दिन के उजाले में फूल बन जाता है, शाम को मुरझा जाता है। यदि फूल केवल इसी बात की चिंता करता है तो शाम तक उसे मुरझाकर गिरना ही पड़ता है, वह कभी खिल नहीं पाएगा। इस तरह अगर आप केवल अपने दुखों के बारे में ही सोचेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में अगर आप बारीकी से देखें तो आप अभी भी खुश हो सकते हैं। आप उनके बारे में सोचकर मुस्कुरा सकते हैं, आप अंदर से खुश हो सकते हैं। आप अपने जीवन की कमजोरी के बजाय अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं तो आपको इस शाश्वत नियम का पालन करना होगा, अच्छे पर ध्यान देना होगा और जीवन में सकारात्मक चीजें। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि उस रास्ते पर कैसे चलना है, लेकिन तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा। बुद्ध के ऐसे शब्द सुनकर वह आदमी कुछ देर तक शांत बैठा रहा, फिर उसने कुछ सोचा और कहा, लेकिन बुद्ध, मैं चलता हूं, एक बात समझ नहीं आ रही, क्या मेरा पूरा जीवन एक ही तरीके से हल हो सकता है? बुद्ध ने बहुत धीरे से उत्तर देना शुरू किया। मान लीजिए कि कोई भविष्यवक्ता आपको बताता है कि आज शाम तक आपकी मृत्यु निश्चित है। यह जानकर आपको उन बातों की चिंता होगी जिनके बारे में आप अब भी चिंता कर रहे थे। आपको याद भी नहीं होगा कि किस तरह की परेशानियां हैं और किस बात की चिंता कर रहे हैं। आप उस वक्त सिर्फ उस हकीकत के बारे में सोच रहे होंगे जिसे लोग मौत कहते हैं। अचानक आपको एहसास होगा कि जिन छोटी छोटी चीजों को आप उसकी सबसे बड़ी परेशानियां कहते थे, वह कुछ भी नहीं ही। अचानक आपको लगेगा कि चिंता करना बेकार है, आज शाम तक मैं दुनिया छोड़ने वाला हूं, और आप पाएंगे कि आपके पूरे जीवन के वे क्षण व्यर्थ हो गए जो आपने चिंता, ईर्ष्या और व्यर्थ कष्ट में बिताए होंगे। लोग बोलते तो हैं लेकिन अंदर से कभी स्वीकार नहीं करते कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया से जाना है। उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वे खुद को अमर मानते हैं। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है, यह हमारे कार्यों और विचारों से निर्मित होते हैं। वह आदमी जो बुद्ध की बातें सुन रहा था टोकते हुए बोला, तो आपके कहने का मतलब यह है कि मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं मरने वाला हूं, क्या यह सोच मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर देगी? नहीं ही, ऐसा कभी मत सोचिए। आपको बस यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया में मेरी उपस्थिति अनिश्चित है। मैं जब तक यहां हूं एक खुशहाल जीवन जीऊंगा। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं उनके साथ जिए, वह तुम्हें आंतरिक खुशी और शांति देगी। अपना दिमाग ठीक करो और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।
व्यक्ति के जीवन के अधिकतर दुख उसकी इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। यदि आप अपने मन का इलाज एक बच्चे के मन की तरह कर सकते हैं तो आपको आंतरिक शांति महसूस होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मन को नियंत्रित करने की बात कही, आप चंचल मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें सुख और दुख के बीच अंतर समझना होगा। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपके लिए खुशी और दुख का क्या मतलब है। इसके बाद अभ्यास के द्वारा अपने मन को इस प्रकार तैयार करना है कि आप न तो खुशी के मौके पर ज्यादा खुश हों और न ही दुखी होने पर ज्यादा दुखी हों। आपको खुद को पूरी तरह से मध्य में रखने का प्रयास करना होगा, जिसे मैं मध्यम मार्ग कहता हूं। यदि आप अपने जीवन में गहराई से उतरेंगे और यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज आपको खुश करती है और क्यों, तो अंत में आपको केवल एक ही उत्तर मिलेगा कि आप आपके सभी दुखों का कारण हैं। आपकी इच्छा, आसक्ति, इच्छा, ये सब आपके मन द्वारा निर्मित है। इसलिए यदि आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेंगे तो आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि आप एक और छोटा सा काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के सभी दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह व्यक्ति उत्तेजित हो गया और बोला, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? बुद्ध के मुख से ऐसे शब्द सुनकर वह व्यक्ति उत्तेजित हो गया और बोला, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा कि तुम अगले 2 दिनों तक किसी से बात नहीं करोगे और कागज लेकर आशाराम के एकांत स्थान पर बैठ गए। आपको वहां बैठकर उन दुखों के बारे में सोचना और लिखना है जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और उनका कारण भी लिखना है, और दूसरे पेज पर आपको थोड़ी सी खनुशी लिखनी है और यह भी लिखना है कि आपको यह खनुशी क्यों है। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत समय है, आप आराम से सोच सकते हैं। जाओ और सोचो और आराम से लिखो। उस आदमी ने बुद्ध को प्रणाम किया और आश्रम के कोने में बैठ गया। 2 दिन बाद वह कुछ लेकर बुद्ध के पास वापस आया, उसके हाथ में कागजात। उसे देखकर बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम कागज से अपना दुख पढ़कर सुनाओ। व्यक्ति ने सबसे पहले अखबार पढ़ना शुरू किया। मेरे परिवार के सदस्य अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूं और काम करता हूं। मैं अपने काम में अमीर नहीं हूं और मैं अपने काम में सहज हूं, और मेरी तुलना दूसरों से की जाती है। व्यक्ति ने आगे पढ़ना शुरू किया। दूसरा, मेरे पड़ोस में बहुत से लोगों ने बचत की है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि मैं काम कम जानता हूं लेकिन खर्च बहुत करता हूं। आज मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी काफी समय से बीमार है और उसकी बीमारी का कारण मैं हूं। मेरी लापरवाही के कारण मैं उसे कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। मुझे पता है कि मेरे पास एल्कोहल पीने के लिए पैसे नहीं हैं, फिर भी मैं इसे पीता हूं। मैं अपना दिन खुशी से जीता हूं, लेकिन ऐसा करने में सक्षम नहीं होने पर देखता रहता हूं। बुद्ध, ये मेरे जीवन के सबसे बड़े दुख हैं, और गहराई से सोचने के बाद मैंने पाया कि कई उनमें से मेरे कार्यों और मेरे विचारों के कारण हुआ। यह सुनने के बाद आपने मुझे खुशी का पेपर पढ़कर सुनाया। पिछले 2 दिनों में मैंने जो कुछ भी महसूस किया, वैसा मैंने अपने जीवन में कहीं भी अनुभव नहीं किया। पिछले 2 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि वास्तविक शांति और आनंद कितना महान है, और मैं इसका अनुभव करके बहुत खुश हूं। मेरी खुशी के कारणों की सूची बहुत लंबी है, इसे पढ़ने और समझने में बहुत समय लगेगा। उस व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए कारण एक ही है। वह व्यक्ति अपना बहुत सारा समय बर्बाद करता है। आप दुख का कारण ढूंढने में लगे हैं। हमारा जीवन भी एक तरह से सुख, शांति और आनंद की तिजोरी है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि खंडूशी के सभी कारणों को साझा करने की जरूरत नहीं है, तुम उनमें से कुछ का पाठ कर सकते हो। वह व्यक्ति बड़ी मुस्कुराहट के साथ पढ़ने लगा। पहली खुशी, क्योंकि क्यों मैं जीवित हूं और दुनिया में रह रहा हूं, और मैं स्वस्थ हूं। मेरे माता पिता, एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। ऐसे ही मेरे पिता के पास कई अनमोल खजाने हैं, जैसे मेरे माता पिता का प्यार, मेरी पत्नी का प्यार, मेरे बच्चों का प्यार और एक पिता की खुशी। दूसरा कारण यह है
कि मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूं, मैं कोई भी काम कर सकता हूं, आपकी आय में कोई बाधा नहीं आ सकती और आप अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि मैं एक खुशहाल परिवार बना सकता हूं। मैं अपनी तुलना अपने भाइयों यूं अपने पड़ोसियों से करता हूं और आपने कृपा करके मुझे मानवता वाला इंसान बनाया है। सभी बुरी आदतों को छोड़कर आप सुखी और खुशहाल जीवन जी सकते हैं और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात यह है कि मुझे एक जगह मिल जाए और जब तक मैं इस दुनिया में हूं, हमारी इच्छा और आसक्ति ही सभी दुखों का कारण है। मैं खुद को जानने की पूरी कोशिश करूंगा और मैंने कभी नहीं किया। जीवित रहे, अब आप अपने परिवार के पास रह सकते हैं। यह जीवन सबके साथ है। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आपको घेरने की कोशिश कर सकती है। जीवन अपने आप से कहने के लिए बहुत छोटा है और इस जीवन में आप चिंताओं और दुखों को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। शांति से बैठकर उस दुख का कारण जानने का प्रयास करें और यदि मिल जाए तो उसे नष्ट कर दें। इस तरह आप मानसिक शांति और कभी ना खत्म होने वाली खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।